नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अपनी समाप्ति पर है और भारत जोड़ो यात्रा अभी जम्मू और कश्मीर में है। लगातार राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी एक के बाद एक खुलासा जो है जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पहले हम लोग चलाते थे, यानी का देश का हिस्सा चलाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को कौन लोग चला रहे हैं पता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पता कहां है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पहले आप राहुल गांधी के इस वीडियो को सुनिए। पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे। आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। तो सुना आपने इस वीडियो को। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया है। क्या आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर कोई और चला रहा है? क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह निकल कर आती है, क्या राहुल गांधी यहां पर जो है कश्मीर विधानसभा चुनाव नजदीक है उसका एक सियासी घमासान बनाने वाले हैं? क्या यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को राजनीति में तब्दील कर रही है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो खुलासा कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव कश्मीर में होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर राहुल गांधी ने तीखे तंज जो है बीजेपी सरकार पर कसे हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार वही सरकार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया। लेकिन राहुल गांधी की बात में कितना सच्चाई है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।